गाइस जगह को देख सकती हो, बहुत ही सुंदर और हवा बहुत तेज चल रहा है, तो उसका वजह से आपको हवा का थोड़ा नॉइस मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो बहुत ही सुंदर है, कभी भी आने से जरूर विजिट कीजिए। सागली के जस्ट नीचे में ही है जगह, तो बहुत ही सुंदर और हवा क्या बोलेगा गाइस, हवा तो डायरेक्ट प्योर वाला है। सो गाइस फाइनली हम लोग लोकेशन पे पहुंच गया, देख सकती हो लोकेशन बेहतरीन लोकेशन है गाइस, पानी वानी एकदम फ्रेश पानी है। और गाइस लोकेशन लोकेशन को आप देख सकती हो बहुत ही सुंदर है, ऐसे बढ़िया लग रहा है गाइस, क्या बोलेगा लोकेशन, कत्ते जहर वाला लोकेशन है। और यहाँ में है ताना ताजब जो अभी लकड़ी रेडी कर रहा है। आग अभी जलाया जाएगा यहाँ पर, आप लोग देख सकती हो यहाँ पर, मतलब हम लोग आग जलाएगा, जलाने के बाद बाकी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बम्बू आ चुका है जंगल से गाइस, देख सकते हो बम्बू भी एकदम ताज़ा बम्बू आ चुका है, अभी काट के लाया है बागान। एक है लकड़ी के लिए यूज़ होगा, एक खाना और थोड़ा हल्का फुल्का सब्जी में यूज़ होगा। डाला जाएगा अभी पूरा बड़ा सा आग जलाएगा, तभी ये खाना सब्जी के लिए बम्बू को उसका साइज पे काटा जाएगा। आप लोग देख सकते हो एकदम साइज में फटना नहीं चाहिए, क्योंकि फटने से ये पानी निकल जाता है ना, तो उसके वजह से चावल खराब हो जाता है और सब्जी भी पकड़ने से जुल गिर जाता है, तो इसको भी एक टेक्निक से काटना पड़ता है। और गाइस हम लोग का पट्टा भी आ चुका है, देख सकते हो ये जंगल से अभी तोड़ के लाया गया है, और इससे हम लोग इसमें ये पट्टा में डाल के ये मीट उठाएगा, और उसके बाद इस ये बम्बू का अंडा डाल के चावल पकाएगा, फिर इसमें चावल रहेगा तो बम्बू का गंडा संडा कुछ भी नहीं लगेगा चावल में। बहन जो चावल वावल निकाल रहा किया है, तो बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे नेचुरल वाला व्यू दिखाया है, बहुत सुंदर सुंदर जगह घुमाया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐसे घुमाने के लिए। गाइस देख सकते हो अगर बम्बू में खाना पकाना है तो इसी तरह पट्टा में चावल आगे आगे डालना पड़ता है, उसके बाद ये पट्टा को अभी अच्छा से पैक करा करके उसका चूंगा में डाला जाएगा, पूरा वॉश करा जा रहा है अच्छा से। अभी वॉश करने के बाद चावल में यूज़ करेगा और वहाँ से पानी पी भी सकते हैं, बहुत सफा पानी होता है। तो गाइस देख सकते हो इसी तरह पैकिंग किया जाता है, उसके बाद बम्बू में डाला जाता है। ये एक बम्बू रेडी हो चुका है हम लोग का, बहन इतना अच्छा से मालूम नहीं है तो उसको सिखाया जा रहा है। सभी फाइनली आग में डाल चुका है, आप लोग देख सकते हो इसी तरह आग में डाला जाता है बम्बू को, और बहुत ही टेस्टी चावल पक के आता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ में अभी दूसरा बम्बू को डालने के लिए रेडी किया जा रहा है, तो दूसरा बम्बू में अभी चावल डाल के उसके बाद आग में डाल दिया जाएगा। गाइस हम लोग का अभी चिकन भी ऑलमोस्ट ये साफ हो गया है, और चूंगा में खाना बैठा दिया है, सोच के हमको इतना भूख लग रहा है गाइस, हमसे तो रहा नहीं जा रहा है, कानो जाओ उपाय दो मा। गाइस लोकेशन देख सकती हो बहुत ही बेहतरीन है, एकदम मस्त है, कते जहर वाला लोकेशन है। अरे बोल।
लोगों से। इसको वॉशिंग किया जाएगा और वहाँ से है उसको सब्जी बनाएगा, तो साफ करके अभी आग में बढ़िया से रोस्ट करेगा, खाएंगा पिएंगा और मजे करेंगे, ठीक है। गाइस अभी ये दंती उंटी लगा चुका है, देख सकती हो, इसको अभी रोस्ट किया जाएगा आग पे। गाइस अभी से देखो एकदम भूख लग के आधा हो रहा है, मुंह में पानी आ रहा है एकदम। गाइस पकने का साथ साथ सबसे आगे मैं टूट पड़ूंगी मीट पे। ये गाइस कट लगाया जा रहा है जो इसमें नमक नमक थोड़ा मिक्स कर दिया जाएगा टेस्ट के लिए, तब अच्छा स्वाद निकल के आते हैं। ये है असली स्वाद, हम लोग देखता है वाला। गाइस देख सकती हो चावल भी हम लोग ऑलमोस्ट पक गया, और एक दो मिनट में चावल पक जाएगा, उसके बाद अभी ये रोस्ट किया जा रहा है चिकन को, और आधा जो नोटिस स्टाइल में ये करा जाएगा, बॉईल किया जाएगा, बम्बू में पकाएगा। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट निकल के आता है बम्बू में पकाने से। गाइस देख सकते हो इतना क्यूट वाला बहन है जो अभी मर्चा कूद रहा है, लोकल स्टाइल से बनाया जा रहा है, देख सकती हो चुकी हो। अब भी मीट का कलर चेंज हो रहा है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा गाइस, अभी तो एकदम खुशबू जो आ रहा है, क्या हमको तो भूख लगता था, वो रहा है उसका मीट का खुशबू से ना, और खाना भी पक चुका है थोड़ा थोड़ा, और दो तीन सेकेंड के बाद खाना पक जाएगा। अरे तो रहा नहीं जा रहा, सुबह से खाना नहीं खाया है, सुबह में मैगी खाया था सिर्फ। मीट उठ पीस किया गया है, अभी मर्चा जो कूटा गया था बहन ने कूटा था, उसको अभी ये मीट में डाला जा रहा है। अब भी गया गाइस नमक, ये जा रहा है नमक, नमक अगर मीट में पड़ गया बोलने स्वाद अलग ही लेवल का स्वाद लेके आ जाता है। जो गाइस अभी बम्बू टेंगा डाला जा रहा है, जो सूखा वाला रहता है ना उसको डाला जा रहा है, इससे टेस्ट भी और भी टेस्ट होता है। अभी मिक्स किया जा रहा है, अभी चूंगा में डाला जाएगा पकाने के लिए। गाइस इस तरह पका के कभी दिन ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी होता है, अगर एक बार खाओगी ना सालों साल याद रहेगा। अब बम्बू में चिकन कुक करके खाया था बोल, अभी पानी डाला जाएगा इसमें थोड़ा थोड़ा, क्योंकि बॉइलिंग के लिए पानी थोड़ा ज़रूरी होता है। और ये पानी गाइस पूरा साफ पानी है, जो थोड़ा भी गंदा नहीं होता है। तो फाइनली हम लोग अब ये रेडी हो गया आग में डालने के लिए, अभी आग में डाला जाएगा। अभी ये चिकन को बैठा दिया जा रहा है, और चावल गाइस पक चुका है तो निकाला गया है, और एक जो थोड़ा रह गया पकने के लिए तो उसको और थोड़ा सा पकने के लिए रख दिया गया है। गाइस यहाँ में अभी पेट को साफ किया जा रहा है, देख सकते हो आप जो पेट रहता है ना चिकन में, और पेट को साफा किया जा रहा है, और पेट भी बहुत टेस्ट होता है। गाइस मीट पकने वाला है, 50% कुक हो चुका है। गाइस खुशबू से मेरा सबर बेस्ट। गाइस अभी लिवर पोर्ट वगैरह अभी एक साथ काटा जाएगा, उसके बाद पकाया जाएगा, देख सकते हो ये पाव को थोड़ा पहले जो जलाया था ना उसकी अभी पीस किया जा रहा है। गाइस देख सकते हो हम लोग अभी पेट और थोड़ा पंग वगैरह और पाव थोड़ा मिक्स करके पूरा पीस कर लिया है, तो अभी ये अभी मर्चा डाला जा रहा है, अभी नमक डाला जा रहा है, फाइनली मिक्स हो गया। गाइस अभी प्याज वास मिक्स कर चुके हैं, अभी चूंगा में डाला जाएगा, लीवर पोर्क पंख के साथ में पीस किया हुआ था। गाइस यहाँ में हम लोग का मीट पक रहा है, और यहाँ पर हम लोग का प्याज व्याज काट के यहाँ में रखा गया है, और यहाँ में रोस्टिंग किया हुआ मीट को बहन जो ये क्या यमतर लगा रहे, मतलब मर्चा लगा रहा है, जो होम मेड सुखा के बनाता है ना वो वाला मिर्चा, जो
आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो क्या क्या बोलते हैं यमतर? ये जो ना हम लोग लोकल होममेड ये बनाते हैं ना, जो मिर्चा को कच्चा मिर्चा को सुखा के उसका पीछे और वहाँ में कुछ कुछ क्या बोलते हैं भिटे वगैरह तना वगैरह डालते हैं ना, वो वाला यमतर यमतर कहता है। अच्छा अच्छा। तो गाइस अभी फाइनली हम लोग का रोस्टिंग का पूरा एकदम फुल पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अभी थोड़ा ये मिक्स उक्स करना है, धनिया पत्ता डालना है और रेडी है खाने में। गाइस रुखा नहीं जा रहे, अपने से रुखा नहीं जा रहे हैं। बहुत ही टेस्टी लग रहा है, खुशबू तो क्या बोले एकदम गजब। गाइस अभी मेरा हिस्सा वाला आ चुका है, अभी इसको हमें खाएगा। देख सकती हो एकदम टेस्टी लग रहा है, तो टेस्ट करके देखो मिस्टर लेग पीस कैसा लगा? बढ़िया, क्या बोलेगा। ये बनाया है बहुत ही टेस्टी बना है। नदी में ना इस तरह खाना ऐसे बढ़िया वाला व्यू का साथ ना मजा जो दुगना हो जाए, वो तो सही है एकदम बढ़िया। तो अब बताइए बस्ती में आके, मेरा बस्ती में आके कैसा लगा? हमको बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ का आदमी बहुत फ्रेंडली है, आपको बहुत अच्छा वेलकम करता है और इस तरह डिश बना बना के खिलाता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। ये है हम लोग का आज कुक मैन, हैंडसम भी है लड़का और हाथ से भी बनाता है टेस्टी टेस्टी। आजा हम ये देखो तो ये क्या कह रहा है, देखो तो अकेला अकेला कह रहा है। जाओ आलो जीता पक दे। तो देख सकता है यहाँ पे इंटेस्टाइन है और यहाँ पे सब ये मीट है, बहुत टेस्ट होने वाला है। बढ़िया ना भाई। सो गाइस अभी हम लोग का जो चिंदू में खाना पका है तो उसको अभी निकलना जा रहा है। चिंदू मीन्स बम्बू खाना, अरुणाचल में चिंदू कहा जाता है निचले लोग। ये देख सकते हो गाइस पूरा निकल चुका है, चावल एकदम खिला खिला पका है, देख सकते हो। गाइस देख सकते हो चावल पूरा निकला जा रहा है, एकदम परफेक्ट से निकला जा रहा है और पका भी एकदम गजब का गजब एकदम मजा से पका है। देख सकते हो चावल एकदम बढ़िया से पका है। गाइस चावल को देख सकती हो एकदम बढ़िया से पका है। चिकन निकाला जा रहा है, देख सकती हो एकदम बढ़िया से निकल रहा है। और सूप को यहाँ में पसंद किया जा रहा है। ये धनिया पत्ता काट कूट के डाला जा रहा है टेस्ट का लिए, टेस्ट बहुत अच्छा निकल के आते हैं। सो गाइस देख सकते हो एकदम बढ़िया से सब कुछ पक चुका है, लगाया गया है ये खाना उना। और उसके बाद यहाँ में बहन जो सूप को पकड़ के बेच रहे हैं, जो मीट का सूप लेते हैं ना वो सूप पकड़ के बेच रहे हैं। अभी पूरा रेसिपी रेडी हो चुका है, अभी खाएगा, अभी रुखा नहीं जा रहा अपने से। गाइस खुशबू क्या खुशबू है, सब कुछ ऑर्गेनिक बना हुआ है। और ये गाइस लीवर पोर्ट वगैरह एकदम जो बनाया गया था ना वो आ गया, एकदम मस्त बना है। गाइस लीवर पोर्ट एकदम बढ़िया,
कैसा लगा खाकर? एकदम गजब, कते जहर वाला, तेज, बढ़िया, मजा आ गया। तो आप तो भैया लोग का क्रेडिट देना चाहेगा? 100 में 99% एकदम मस्त है। अच्छा, 1% रखा है तो भैया लोग के लिए थैंक यू नहीं बोलेगा? क्या बोलेगा, थैंक यू से इस क्रेडिट को ना अगर थैंक यू बोल के खरीद सकते हैं बोलने से, तो वो तो क्या बोलेगा, वही है, दुआ में याद रखेंगे। चलो चलो, अभी एंडिंग में लगेगा ना। तजब, चलो मोहित चौहान आ रहे देखने जाएगा, चलो 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 गाइस, चलो। Honorable Home Minister, Government of Arunachal Pradesh, Shri Bamang Felix ka. Rockstar dekhi aapne? शाम फोटो तो आखिरी पड़ाव आपके लिए रॉकस्टार मेरे लिए भी बहुत खास रही ए आर रहमान साहब का म्यूजिक, नादान परिंदे, हम लोग का टीम का नहीं उठा पाया ना। सब
लोग बहुत क्यूट से आ रहा था लेकिन ना आंखों में तेरी